जब हम प्रभु के आवाज को सुनेंगे, उसके अनुरूप चलेंगे, तो सिमोन की तरह हम हमारे जीवन में चमत्कारी कार्य देखेंगे। क्रिस्त में प्यारे दोस्तों, आज के पवित्र सुसमाचार में हम सुनते हैं कि सिमोन प्रभु से कहते हैं, प्रभु आप मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूँ। सिमोन प्रभु से ऐसा क्यों कहते हैं? जब प्रभु यीशु ने सिमोन से कहा कि नाव गहरे पानी में ले चलो और मछलियाँ पकड़ने के लिए जाल डालो, इस पर सिमोन प्रभु से कह सकते थे, प्रभु हमने रात भर जाल डाली और हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए हम पुनः नाव को गहरे पानी में ले जाकर जाल को व्यर्थ में नहीं डालना चाहते हैं। लेकिन सिमोन ऐसा ना कह करके प्रभु की आवाज़ को सुना और उस आवाज़ को सुनकर प्रभु के आवाज़ के अनुरूप उन्होंने कार्य किया और पुनः नाव को गहरे पानी में ले जा करके जाल को डाला। इस पर सिमोन देखा कि जाल मछलियों से भर गई है और फटने पर है। यह जो चमत्कारिक कार्य है, सिमोन अपने आँखों से देखता है। ना केवल वह अपने आँखों से देखता है, लेकिन वह अपने जीवन में प्रभु की कृपा को महसूस करता है, अपने हृदय में प्रभु की कृपा को महसूस करता है। और सिमोन जब प्रभु की कृपा को अपने हृदय में महसूस करता है, तो उसे यह ज्ञात होता है कि वह अयोग्य व्यक्ति है, वह एक पापी इंसान है, पापी मनुष्य है। इसीलिए अपने अयोग्यता को स्वीकारते हुए विनम्रता के साथ प्रभु के सामने घुटने टेकता है और कहता है, प्रभु आप मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूँ। क्रिस्त में प्यारे दोस्तों, यदि हम हमारे जीवन में सिमोन की तरह हमारे हृदय में प्रभु की कृपा को महसूस करना चाहते हैं, तो हमें भी सर्वप्रथम प्रभु की आवाज़ को हमारे जीवन में सुनना है और प्रभु की आवाज़ को सुनकर उसके अनुरूप हमें अपना कार्य करना है, अपना जीवन व्यतीत करना है। जब हम प्रभु के आवाज़ को सुनेंगे, उसके अनुरूप चलेंगे, तो सिमोन की तरह हम हमारे जीवन में चमत्कारी कार्य देखेंगे, प्रभु की कृपा को हम हमारे हृदय में महसूस करेंगे। और प्रभु की कृपा को जब हम महसूस करेंगे, तो सिमोन पेत्रुस की तरह हम अपने आप को प्रभु के सामने विनम्र करेंगे और कहेंगे कि प्रभु मैं एक अयोग्य व्यक्ति हूँ, मैं एक अयोग्य मनुष्य हूँ। इसलिए क्रिस्त में प्यारे दोस्तों, हमें हमारे जीवन में प्रभु की कृपा को महसूस करने के लिए उसके आवाज़ को सुनना है, प्रभु की उपस्थिति को हमारे जीवन में महसूस करना है और प्रभु की जो चमत्कारी कार्य हैं हमारे जीवन में हर रोज़ होती हैं, उसे पहचानना है और उन चमत्कारी कार्यों को पहचानते हुए प्रभु की ओर अपनी कृतज्ञता को प्रकट करना है। जब हम आज यह सुसमाचार पर मनन चिंतन कर रहे हैं, तो आइए हम प्रभु से विशेष कृपा और आशीष मांगें कि जिस प्रकार सिमोन ने प्रभु की आवाज़ को सुना, पहचाना और उसके अनुरूप वह कार्य किया, उसी प्रकार हम भी हमारे जीवन में प्रभु की आवाज़ को सुने, उसके अनुरूप हम अपना जीवन व्यतीत करें, प्रभु की उपस्थिति को हमारे हृदय में महसूस करें और उनके जो चमत्कारी कार्य हैं हमारे जीवन में हर रोज़ होती हैं, उसे भी हम पहचानें। आमीन।